हाँ जी दोस्तों, आज पीटीवी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के क्यू एन ए के लिए हमने पिक किए हैं 15 क्वेश्चन, जिनके जवाब मैं आपको आज के क्यू एन ए वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ है तो आई एम सॉरी गाइस, कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट क्यू एन ए में पिक करूं एंड जवाब देने की कोशिश करूं। वैसे आज मैंने थोड़े से कम क्वेश्चन पिक करे हैं क्योंकि तबीयत जो है वो एकदम परफेक्ट मुझे लग नहीं रही है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी कम लिए हैं और थोड़ी सी एनर्जी भी आपको आज के वीडियो में कम लग सकती है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस। बाय द वे, लास्ट वाला जो क्यू एन ए था उसमें हमने टेक मास्टर को इन्वाइट किया था। अगर वाला क्यों आपने नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक है, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। एंड अगर आपने देखा है तो कमेंट करके जरूर से बताना भाई कि क्या हमको फ्यूचर में भी ऐसे कोलैबोरेशन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, कमेंट करके जरूर से बता देना। बिना किसी देरी के फटाफट से क्यूएनए को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्यूएनए को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई सवाल जवाब के सिलसिले को और ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है मिस्टर लेजेंड की तरफ से। ये पूछते हैं भाई Redmi Note 11 Pro Plus 5G के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं और उसकी प्राइस क्या होगी। तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G को लेकर के हमने डेडिकेटेड वीडियो बना करके रखा हुआ है चैनल पे, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के वहां से जरूर से चेकआउट कर लेना। 20,000-22,000 के आसपास ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है इनका, Redmi Note 11 Pro Plus 5G वर्सेज Realme 9 5G कौन सा बेटर रहेगा। तो डेफिनेटली Redmi Note 11 Pro Plus जो है वो बेटर रहने वाला है, बिल्ड क्वालिटी बेटर, डिस्प्ले बेटर, परफॉर्मेंस बेटर, सारी चीजें वहां पर आपको बेटर मिलेगी। सो यस, Redmi Note 11 Pro Plus जो है वो बेटर रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है इनका, Samsung Galaxy M23 5G वर्सेस Redmi Note 11 Pro Plus कौन सा बेटर रहेगा। तो डेफिनेटली Redmi Note 11 Pro Plus ही बेटर रहने वाला है। M23 जो है उतना अच्छा स्मार्टफोन नहीं रहने वाला है, TFT डिस्प्ले के साथ में आएगा, तो यहीं पे कंपटीशन से बाहर हो जाता है भाई। सो यस, आपके तीनों क्वेश्चन के जवाब मैंने देने की कोशिश करी है, आई होप आपको सही से जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सुपरवर्स सेवर की तरफ से। ये बोलते हैं भाई Redmi Note 11 Pro 4G वर्सेस Redmi Note 10 Pro कौन सा बेटर है। मेरे हिसाब से Redmi Note 11 Pro 4G बेटर रहेगा, हालांकि अभी प्राइस पॉइंट नहीं आया है, जैसे ही प्राइस पॉइंट आ जाएगा उसके बाद में हम इवेल्युएट कर पाएंगे कि Redmi Note 10 Pro बेटर है या Redmi Note 11 Pro बेटर है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से Redmi Note 11 Pro बेटर रहेगा, क्योंकि नया है तो बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कैसी लाइन थी भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वनर हरपाल सिंह की तरफ से। ये बोलते हैं, इज 6GB रैम इज इनफ फॉर लिटिल हैवी यूसेज फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years। आई वुड से यस, 6GB में काम हो जाएगा आपका, ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपका नॉर्मल यूसेज है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अभय यूट्यूबर की तरफ से। ये बोलते हैं, यश भाई आईफोन 12 मिनी लेना सही रहेगा क्या, बैटरी बैकअप बहुत कम रहता है क्या, मुझे अंडर 40K में मिल सकता है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव फ्रॉम यूपी इंडिया। लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम प्रोटेक विलेज ब्रो। एंड आईफोन 12 मिनी अच्छा स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन है, बैटरी छोटी है एंड बैकअप थोड़ा सा आपको कम मिलता है, एक दिन में आपको 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। लेकिन भाई साहब 40,000 के अंदर अगर आपको मिल रहा है तो बढ़िया परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा, साथ ही में आपको iOS का भरोसा भी मिलता है एंड एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी आपको मिलती है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर गैंगस्टर बाबा की तरफ से। ये बोलते हैं, भाई आईफोन SE 3 किस रेंज में आएगा और कैमरा कैसा होगा। भाई साहब आईफोन SE 3 जो है इंडिया में 42,000 से 45,000 रुपए के बीच में लॉन्च होगा एंड कैमरा एज ऑलवेज कैमरा बढ़िया रहने वाला है, उसमें आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी बीस्ट मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अरविंद उदेश की तरफ से। ये बोलते हैं, व्हेन माइक्रोमैक्स लॉन्च 5G स्मार्टफोन। बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या मई, क्योंकि माइक्रोमैक्स ने बहुत समय पहले हमको बोला था भाई कि वो लोग काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। नाउ ये समय है कि शायद माइक्रोमैक्स अपना 5G फोन जो है वो इंडिया में लॉन्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सोनू बघेल की तरफ से। ये पूछते हैं, पीटीवी लव यू सर, थैंक यू सो मच ब्रो। एंड ये बोलते हैं, सर मुझे न्यूज़ मिली है कि माइक्रोमैक्स अपने UI पर काम कर रहा है एंड उसे इस मंथ डेब्यू करेगा। एंड इनका क्वेश्चन है, इज इट अ राइट डिसीजन एज दे प्रॉमिस स्टॉक एक्सपीरियंस इन पास्ट, योर थॉट ऑन दिस। एंड सेकेंड है इनका, अकॉर्डिंग टू यू स्टॉक और कस्टम UI विथ नो एड्स ब्लोटवेयर्स विच इज बेटर। देखो भाई, माइक्रोमैक्स अगर अपने UI पर काम कर रहा है तो अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब माइक्रोमैक्स ब्लोटवेयर फ्री अगर सॉफ्टवेयर हमको देगा तो सही रहेगा, अदरवाइज माइक्रोमैक्स ने कमिटमेंट दिया था इन नोट 1 के टाइम पे कि भाई हमारे फोन्स में आपको स्टॉक एंड्रॉयड ही मिलेगा, कभी भी ब्लोटवेयर्स नहीं मिलेंगे, कभी भी एड्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड नाउ अगर माइक्रोमैक्स अपना UI बना भी रहा है तो जैसा मोटोरोला का UI है MyUX वाला, जहां पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील मिलता है लेकिन वहां पर आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो कुछ उस प्रकार का अगर UI बनाता है तो ये अच्छा रहेगा।
अगर माइक्रोमैक्स वापस से ब्लोटवेयर्स देने लगा, वापस से एड्स देने लगा, तो वो जो कमिटमेंट है वो फेल हो जाएगा। एंड जब कमिटमेंट फेल होता है ब्रांड की तरफ से, आपको पता है भाई, ब्रांड वैल्यू डाउन होती है। तो आई डोंट थिंक कि माइक्रोमैक्स ऐसा कुछ करने वाला है। अगर यूआई आएगा भी सही तो वो कस्टम यूआई रहेगा, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड फील के साथ में, ब्लोटवेयर्स नहीं रहेंगे, एड्स नहीं रहेंगे। एंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि स्टॉक और कस्टम यूआई विद नो एड्स ब्लोटवेयर्स, तो भाई साहब कस्टम यूआई विद नो एड्स एंड नो ब्लोटवेयर्स विल बी अ बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर हेल की तरफ से, ये बोलते हैं फॉर 5-6 आवर्स कंटिन्यूअस सेशन गेमिंग विच वन विल बी गुड प्रोसेसर 8th Gen 1 और डोमेंसिटी 9000। दोनों ही बीस्ट है भाई, दोनों में 5-6 घंटे तो दोनों आराम से खींच जाएंगे आपको। लेकिन फिर भी अगर दोनों को कंपेयर करें तो 8th Gen 1 जो है थोड़ा सा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अरू जीजी की तरफ से, ये बोलते हैं कैन एनी फोन अंडर 20K विथ स्नैपड्रैगन 870 कम इन सेल इन 2022, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, लव यू फ्रॉम महाराष्ट्र, लव यू फ्रॉम प्रोटेक विलेज ब्रो। एंड स्नैपड्रैगन 870 के साथ में Mi 11X, ये जो स्मार्टफोन है बहुत तगड़े डिस्काउंट्स के साथ में आता है। एंड Realme GT Neo 2, ये भी जो स्मार्टफोन है काफी कट्टर डिस्काउंट के साथ में आ रहा है। सो मे बी होली की सेल में 20,000 के अंदर तो नहीं आएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट 20,000 के अंदर तो शायद नहीं आएंगे, लेकिन 20,000 के आसपास 21-22,000 में आपको ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड दोनों स्मार्टफोन बहुत सॉलिड स्मार्टफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर इन्फिनिटी क्लैशर ओपी की तरफ से, ये बोलते हैं Realme 9 SE 144Hz रिफ्रेश रेट करेक्ट है, 778G प्रोसेसर करेक्ट है, कितने का आ सकता है, एंड लास्ट आस्क PTV वॉज लव। थैंक यू सो मच ब्रो, आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए। एंड Realme 9 SE जो है 20,000 के आसपास इंडिया में लॉन्च होने वाला है, ये खबर है। Realme 9 Pro जो है 5G उससे महंगा रहेगा, ये चीज भी कंफर्म है, लेकिन हाँ अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है और अच्छे प्राइस पर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सत्यम सिंह की तरफ से, ये पूछते हैं विच वन इज बेटर Xiaomi 11i और Redmi Note 11 Pro Plus एट 21K। आई वुड गो फॉर Xiaomi 11i। सेकंड क्वेश्चन है इनका, आई वांट टू परचेस बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 22K, सो आई एम वेटिंग फॉर सम डील्स लाइक Realme GT Neo 2, इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज दैट दिस टाइप ऑफ डील विल कम, इफ यस देन व्हेन, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। भाई साहब ये वाली जो डील है आपको होली वाली सेल में वापस से देखने के लिए मिल सकती है। Realme GT Neo 2 जो है वो 22-23,000 के आसपास आपको डेफिनेटली मिल सकता है, होली की सेल आने वाली है, बहुत जल्दी आएगी। एंड यस, उसमें आपको काफी तगड़े ऑफर्स मिल सकते हैं। चैनल के ऊपर बने रहना, चैनल के ऊपर अगर सेल आती है तो चैनल के ऊपर आपको डिटेल में सारे डील्स एंड डिस्काउंट्स के बारे में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सजल मोंडल की तरफ से, ये बोलते हैं Vivo T1 5G लेना ठीक होगा? बढ़िया होगा भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्मार्टफोन है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा, ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर डिफरेंट टेक बीस्ट की तरफ से, DTB की तरफ से, ये बोलते हैं सर बेस्ट परफेक्ट स्मार्टफोन अंडर 12K ऑलराउंडर। 12K के अंदर ऑलराउंडर भाई साहब मुझे लगता है Infinix Note 11 विल बी द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको 12,000 के अंडर में एक ऑलराउंडर फोन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर देवाशीष कर की तरफ से, ये बोलते हैं सर विच इज द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 23,000, माई प्रायोरिटीज आर गेमिंग एंड कैमरा। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी गेमिंग है तो आप लोग जा सकते हैं IQOO Z5 की तरफ, अगर आपकी पहली प्रायोरिटी कैमरा है तो आप Realme 9 Pro Plus की तरफ देख सकते हैं, सेल में आपको मिल जाएगा 23,000 के आसपास, तो यस इन दो स्मार्टफोन्स की तरफ देख सकते हैं। एंड दोनों ही स्मार्टफोन अगर आपको पसंद नहीं आते तो फिर Xiaomi 11i की तरफ भी आप देख सकते हैं, वो स्मार्टफोन गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, कैमरा उसका मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था टू बी ऑनेस्ट। सो यस, IQOO Z5, Realme 9 Pro Plus एंड Xiaomi 11i। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मिस्टर रैप गैमर 2.0 की तरफ से, ये बोलते हैं क्या मुझे C35 लेना चाहिए, अच्छे कैमरा और परफॉर्मेंस देगा गेम खेलने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, Realme C35 का बिल्कुल भी वेट मत करो, बिल्कुल भी वेट मत करो भाई, लिटरली निराश होगे। सो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि उसका फोन का वेट ना करें तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। तो भाई साहब ये था आज का Q&A सेशन, एंड आई एम सॉरी फॉर द लो एनर्जी, एंड जिनके क्वेश्चंस पिक नहीं हुए हैं मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट Q&A में पिक करूं। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो सही से दिए हैं, आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, इंस्टाग्राम ओपन है, दोनों जगह पर जाकर के आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।